हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल्स एक नया चैप्टर, क्योंकि हम लोग इतने दिन क्लास 11, 12 जेईई मेंस के लिए क्या कर रहे थे, ट्रिकोनोमेट्री कर रहे थे। तो मुझे लगा कि हम लोग लास्ट ज्यादा दिन हो गया ट्रिकोनोमेट्री के साथ है, तो थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए, थोड़ा हम लोगों को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, डिफरेंशियल कैलकुलस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंशियल कैलकुलस का एक पार्ट है फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल्स, ठीक है। इनके पहले सेट थ्योरी है और मैपिंग है। मैंने सेट थ्योरी और मैपिंग को अभी छोड़ दे रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट डिफरेंशियल कैलकुलस में जा रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन सीख लिया, लिमिट सीख लिया और डिफरेंशिएशन सीख लिया, तो आप लोग 11, 12 और जेईई मेंस और उसके आगे अगर कभी भी आप लोगों को मैथ के साथ रहना है, मैथ का सब्जेक्ट को चूज करना है, तो ये तीन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 में आप लोग इंटीग्रेशन सीख जाओगे, ठीक है। तो देखो, फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल्स जो है, फंक्शन हम लोगों को सीखना है, सेट थ्योरी और मैपिंग, ये मैक्सिमम से 2 घंटे का क्लास चलेगा, ठीक है। 1-1 घंटे का क्लास होगा और इस दोनों क्लास में आप लोगों को वेन डायग्राम, फिर उसके बाद आप लोगों को सेट थ्योरी में जो जो मैपिंग करना है, सेट थ्योरी क्या है, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, सारे कुछ सिखा देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं ये फंक्शन का मतलब क्या है। एक फंक्शन सपोज मान के चलो कि f(x) ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है, f मतलब है फंक्शन ऑफ x, ठीक है, फंक्शन ऑफ x। सपोज मैंने दे दिया f(x) है x² + 2। फंक्शन ऑफ x है जिनका वैल्यू क्या है, x² + 2। मैंने आपको बोल दिया कि फंक्शन ऑफ 3 निकालना है। फंक्शन ऑफ 3 क्या है, तो आप क्या करोगे, आप x का प्लेस में 3 को बैठाओगे, क्योंकि पहले आपको मैंने बोला था f ऑफ क्वेश्चन में दे दिया था कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये है, लेकिन अभी क्वेश्चन पूछा है फंक्शन ऑफ x का नहीं है, फंक्शन ऑफ 3 का। फंक्शन ऑफ 3 का आपको क्या बोला है, फंक्शन ऑफ 3 का अगर हम लोग फंक्शन निकालेंगे तो आंसर क्या है, तो आप फंक्शन ऑफ x इक्वल टू पता है, तो सिंपली आप क्या करोगे, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू आपको पता है x² + 2, तो आपने सिंपली करोगे फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू हो जाएगा 3a² + 2 इक्वल टू 11। यही हुआ हमारा फंक्शन का मेन कंसेप्ट, ठीक है। सपोज आपको दे देगा, कभी कभी आपको बोल देगा कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x² + 2 दे देगा। सपोज आपको क्वेश्चन में दे दिया और आपको सिंपली बोल दिया कि आपको फंक्शन ऑफ x-1 में निकालना है, x-1 में, तो आपको उस टाइम क्या करना है ना, x में रिप्लेस करना है, रिप्लेस क्या करना है ना, x को x-1 से, क्योंकि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू पता है, लेकिन मुझे निकालने दिया फंक्शन ऑफ x-1, तो सिंपली जैसे ही x का प्लेस में x-1 बैठाओगे तो आपको फंक्शन ऑफ x-1 निकल जाएगा, और x का प्लेस में, सारे x का प्लेस में आपको x-1 बैठाना है, ठीक है, रिप्लेस करना है, तो आपको सिंपली फंक्शन ऑफ, जिस फंक्शन का बोल रहा है इसका x-1 का फंक्शन आपको निकल जाएगा, ठीक है, समझ गया। तो चलो हम लोग देखो आज फंक्शन का क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्वाइंट का क्वेश्चन है, फिर जेईई मेंस का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम लोगों को यही फंक्शन क्वेश्चन को हम लोगों को ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं ये भी सिखाएंगे, ठीक है, फंक्शंस में, फिर लिमिट में मूव करेंगे। तो फंक्शंस का क्लास आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, लास्ट तक देखिए क्लास का। देखो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, फिर आप लोगों को पता चलेगा। जैसे f x इक्वल टू बोल दिया x² - 5x + 7। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, f(0, f(2, f(-2, f(-h), f(x² + 2। आपको ये सारे कुछ क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, मैंने एक ही क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा ले लिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों को निकालना है, आपको सिर्फ बोल दिया कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये है, विथ हेल्प ऑफ ये फंक्शन आपको सारे कुछ निकालना है। सबसे पहले देख लो, सबसे पहले क्या पता है हम लोगों को, f(x) इक्वल टू
जैसे मैंने कहीं इसको ऊपर में लिख दो f ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, ये भी निकालने दिया, ठीक है। तो देखो f ऑफ x इक्वल टू आपको दे दिया क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। सबसे पहले क्या निकालोगे, f ऑफ 0, फंक्शन ऑफ 0। तो फंक्शन ऑफ 0 का मतलब क्या है, x का प्लेस में 0, तो 0, 0 स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 प्लस 7 इक्वल टू 7, तो f 0 इक्वल टू 7 आ गया। फिर आपको क्या निकालना है, f ऑफ 2, f ऑफ 2 निकालना है, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 7 तो 1। f ऑफ माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 10 और प्लस 7, ये हो गया 21। फिर f ऑफ माइनस 2 हो गया, f ऑफ माइनस 2 हो गया। फिर है f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h को निकाल लो, कि x प्लस h का मतलब क्या है, x का प्लेस में, x का प्लेस में आपको x प्लस h बैठाना है, ठीक है, रिप्लेस करना है फंक्शन। तो जैसे आपने x प्लस h करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस h होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस h प्लस 7, ठीक है। इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5h प्लस 7, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये आ गया आपके पास, तो f ऑफ x प्लस h आ गया। फिर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, f ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। तो x स्क्वायर प्लस 2 का मतलब क्या है, x का प्लेस में क्या बैठा होगा, x स्क्वायर प्लस 2। जैसे आपने इस पर x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 7। जैसे इसको सॉल्व करोगे फिर f x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तब आपको समझ में आ रहा है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू आपको क्वेश्चन में कुछ दे देगा, आपको उसी फंक्शन को यूज करने के बाद, उसी इक्वेशन को यूज करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ फंक्शन ऑफ x के प्लेस में जो फंक्शन आपको पूछेगा, जिस वैल्यू का फंक्शन पूछेगा, जैसे f ऑफ 0, इसमें क्या है, फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू पूछा है तो 7 आया, फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू पूछा है तो 1 आया, फंक्शन ऑफ माइनस 2 का पूछा तो 21 आया, फंक्शन ऑफ x प्लस h पूछा तो ये आया। तो जैसे जैसे हम लोगों को वैल्यू चेंज हो रहा है, जिसका फंक्शन हम लोगों को जब चेंज हो जा रहा है, कोई भी वैल्यू, सपोज x का प्लस में जब भी हम लोग x प्लस 1 रख देंगे तो उनका वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, उनकी इक्वेशन का वैल्यू का कुछ अलग आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फंक्शन को निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेईई मेन से डायरेक्ट आपको फंक्शन से क्वेश्चन आएगा, या तो आप स्टेट बोर्ड दे दे रहे हो तो क्लास 11 में आपको एग्जाम देखने में मिलेगा, ठीक है। और जेईई मेंस में आपको फंक्शन से क्वेश्चन मिलेगा, 12th के बंदे के लिए बोल रहा हूँ, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंसेस है जितने इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है फंक्शन, ठीक है, समझ गया। तो चलो जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कि f ऑफ x माइनस 2, f ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू क्वेश्चन में दे दिया क्या, 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x माइनस 5, ये क्वेश्चन दे दिया, f ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू दे दिया 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 5, 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 5। क्वेश्चन में क्या पूछा है, f ऑफ x, क्वेश्चन में पूछा है कि f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इक्वल टू कितना है, और आपको एक प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, f ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 निकालना है, माइनस 1 इक्वल टू 0 ये प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को क्या करोगे, सबसे पहले मैंने बोला जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दे दिया उनको पहले जांच करो, इनको देखो आपको क्या दिया, आपको दिया फंक्शन ऑफ x माइनस 2, x माइनस 2 का फंक्शन का वैल्यू दे दिया 2x को प्लस 3x माइनस 5, ठीक है, उसको लिख लो पहले, f ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 5 लिख लिया, ठीक है। अब देखना है कि आपको फंक्शन किसका निकालना है, f ऑफ x का, x का फंक्शन निकालने दिया, तो x का फंक्शन निकालने दिया मतलब है x माइनस 2 को x माइनस 2 इक्वल टू x होना चाहिए, x माइनस 2 इक्वल टू x होना चाहिए, अगर x माइनस 2 इक्वल टू x होना चाहिए तो x का प्लेस में क्या लिखना है, x प्लस टू। तो आप सिंपली x का प्लेस में जैसे x प्लस 2 रिप्लेस करोगे x प्लस 2, तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस 2, इधर भी आपको पुट करना है x के प्लेस में x प्लस 2, तो ये सिंपली हो जाएगा 2x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3x प्लस 2 माइनस 5, ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है। तो
तो फिर क्या हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करो, टू ये क्या होगा, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस, डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, टू एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा आपके पास है, टू का क्यूब है एट, एट टू सिक्सटीन प्लस थ्री स्क्वायर बी, थ्री स्क्वायर बी मतलब सिक्स, सिक्स एक्स स्क्वायर सिक्स, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर मतलब फोर इंटू थ्री ट्वेल्व एक्स, ट्वेल्व एक्स इंटू टू ट्वेंटी फोर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स माइनस फाइव। तो ये कैलकुलेशन करके क्या आया, टू एक्स क्यूब ट्वेल्व एक्स स्क्वायर ट्वेंटी सेवन एक्स, जैसे ट्वेंटी सेवन एक्स आ गया, फिर आ गया आपके पास सिक्सटीन और सिक्स, सिक्सटीन प्लस वन इलेवन फिफ्टीन, सिक्सटीन सेवनटीन, ये हो गया आपके पास सेवनटीन। क्या है, टू एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सेवन एक्स प्लस सिक्स माइनस फाइव प्लस वन प्लस वन प्लस सिक्सटीन प्लस सेवनटीन, ठीक है। देखो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री स्क्वायर बी, थ्री इंटू एक्स स्क्वायर इंटू टू मतलब सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ए मतलब एक्स है और बी स्क्वायर मतलब फोर है मतलब ट्वेल्व एक्स, जैसे इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे टू एक्स क्यूब प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स, ठीक है। कैलकुलेशन आप देखो ये क्या आ गया, ये आ गया एफ एक्स इक्वल टू, तो सिंपली एफ एक्स का तो वैल्यू निकल के आ गया। अब आपको करना है एफ ऑफ माइनस वन, तो जब आपको एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू जीरो बैठा होगा तो आप कौन सा फंक्शन में, आप पूरे ने फंक्शन में जाओगे क्या, नहीं जाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपको एफ एक्स इक्वल टू ये आ गया, आप सिंपली एफ ऑफ माइनस वन, एफ एक्स इक्वल टू जब ये आ गया आपके पास, तो आपने इजिली, आपने इजिली क्या कर सकते हो, एफ ऑफ माइनस वन एक्स का प्लेस में बैठा होगा, एक्स का प्लेस में, तो ये क्या आ जाएगा, टू एक्स क्यूब, टू एक्स क्यूब मतलब होता है कि माइनस टू, एक्स क्यूब मतलब एक्स का माइनस वन का होल क्यूब मतलब हो जाएगा ये 12 एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये 12, फिर 27x, 27x का मतलब हो जाएगा माइनस 27 और प्लस 17, प्लस 17, ठीक है। तो 27, 29, 29 प्लस 17 हो गया आपका माइनस 12, माइनस 12 प्लस 12, माइनस 12 प्लस 12 हो गया आपके पास जीरो। तो एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू, एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये भी प्रूव हो गया, ये भी आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया है उनको हम लोग जांच कर रहे हैं। सबसे पहला आप लोगों को अटेम्प्ट ये है कि जो फंक्शन का इक्वेशन आपको दे देगा उसी फंक्शन को पहले जांच करो, अच्छे से देखो, देखने के बाद ये सोचो कि एक्स का प्लेस में ऐसा क्या बैठाएंगे जैसे हमारे एफ एक्स फंक्शन निकल के आ जाएगा। अगर आप लोगों को पता नहीं चलता है ना क्या निकालना बैठाना है, तो सिंपली ये भी कर लेना कि ये इक्वल टू एक्स माइनस टू इक्वल टू आपको एक्स बैठाना है, तो या कर देना सॉल्व करना लेफ्ट साइड के एक्स, तो एक्स प्लस टू आ जाएगा, एक्स प्लस टू आ जाएगा। जैसे x प्लस टू आया, मैंने x का प्लेस में x प्लस टू को रिप्लेस किया, तो मुझे एफ एक्स इक्वल टू आ गया। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि एफ ऑफ माइनस वन का वैल्यू पूछा है, तो सिंपली x का प्लेस में मैंने माइनस वन को रिप्लेस किया है। जैसे क्या है, मेरा फंक्शन एफ ऑफ माइनस वन का फंक्शन इक्वल टू जीरो आ गया, जो मेरा प्रूव करना था, ठीक है, समझ गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन दो बार जेई में आ गया है, ठीक है, ये दो बार क्वेश्चन आया है, 1994 में है, 1996 में है। जैसे क्वेश्चन है एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। अगर आप लोगों को मॉड का कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम हो सकते हैं अभी भी, अगर आप लोगों को मॉड में कोई भी कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइए और अप टू टेंथ एलजेब्रा पार्ट में जाइए, ठीक है। फिर जाने के बाद आप लोगों को एक पार्ट मिलेगा जहां पर आप लोगों को नंबर सिस्टम चैप्टर मिलेगा, और नंबर सिस्टम को अच्छे से आप लोग देख लेना, नंबर सिस्टम में एक मॉड्यूलस का चैप्टर है, ठीक है, उसमें आप लोग सॉल्व कर लेना। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो आपको क्या बोला है, आपको क्या क्या निकालना है, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री फंक्शन ऑफ थ्री निकालना है, फंक्शन ऑफ माइनस थ्री निकालना है, दो चीज निकालना है, एफ ऑफ थ्री एंड एफ ऑफ माइनस थ्री, ठीक है। तो कैसे निकालोगे,
सिंपली एफ ऑफ थ्री बताओ तो सिंपली हो जाएगा थ्री प्लस थ्री माइनस वन, तो थ्री प्लस मॉड ऑफ टू मतलब हो जाएगा आपको थ्री प्लस टू इक्वल टू फाइव। ठीक है, समझ में आया? अब एफ ऑफ माइनस थ्री को कैसे करोगे? एफ ऑफ माइनस थ्री तो सिंपली माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री माइनस वन, तो माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ माइनस फोर, और मॉड के अंदर से प्लस हो या तो माइनस हो, कोई भी है तो मॉड के अंदर से बाहर प्लस फोर आते हैं। ये कैसे आते हैं इसलिए बोल लो, मॉड का कॉन्सेप्ट सीख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस थ्री प्लस फोर और ये हो जाएगा वन। तो एफ ऑफ थ्री और एफ ऑफ माइनस थ्री दोनों हमारे पास निकल के आ गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन ज्वाइन में आया था जेई मेंस में, ठीक है, क्योंकि उसी मॉड का कॉन्सेप्ट के लिए, थोड़ा सा छोटा कॉन्सेप्ट मॉड के कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखो फिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फोर ऑफ एफ ऑफ एक्स, फोर ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन में दे दिया कि सेवन माइनस थ्री एक्स, थ्री एक्स, और आपको क्वेश्चन में आंसर पूछा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है। इसी क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है, ये तो एक नंबर इक्वेशन है सपोज मान के चलो। ठीक है, अब क्या करोगे ना, फोर ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू सेवन माइनस थ्री एक्स। ठीक है, थ्री ऑफ एफ ऑफ माइनस फोर एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू सेवन माइनस थ्री एक्स, सेवन माइनस थ्री एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे ना, एक्स को माइनस एक्स से रिप्रेजेंट करोगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्रेजेंट करोगे, जो भी एक्स फंक्शन है माइनस एक्स को एक्स, दोनों को चेंज करोगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं फोर ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से कर रहे हैं, फोर ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस, तो मैंने एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कर रहा हूं, और फोर ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, थ्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, सेवन ऑफ थ्री, सेवन माइनस थ्री ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेवन और ये हो जाएगा प्लस थ्री एक्स, तो ये हमारा दो नंबर इक्वेशन है। देखो आप दो इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन दो इक्वेशन, जैसे फोर ऑफ एफ ऑफ एक्स, फोर ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, थ्री ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इन दोनों से क्या करेंगे, अगर दो आपके पास अननोन वेरिएबल है, अगर दो इक्वेशन है तो इजीली इसको निकाल सकते हो। तो एक नंबर इक्वेशन के साथ मैंने क्या क्या निकाल दिया, एफ ऑफ एक्स मतलब इनको निकालना है तो इनको हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, इनके साथ एक नंबर के साथ फोर मल्टीप्लीकेशन एंड दो नंबर इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, दो नंबर इक्वेशन के साथ थ्री मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे करेंगे ये हो जाएगा 16 एफ ऑफ एक्स प्लस 12 एफ ऑफ माइनस एक्स, फिर ये हो जाएगा आपको 4 28 माइनस 12 एक्स। अब इसको करेंगे क्या, थ्री से मल्टीप्लीकेशन, थ्री से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 से 16, 4 3 से, इसको 3 से करेंगे तो इसको हो जाएगा हमारा 39 एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 12 एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 327 1 प्लस 9 एक्स। जैसे इसको कैलकुलेशन करोगे फिर माइनस माइनस और फिर माइनस फिर माइनस, तो ये तो चला जाएगा घटेगा, फिर ये होगा आपके पास 7 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास आएगा 7 माइनस 21 एक्स, और सिंपली आपके पास एफ ऑफ एक्स निकल के आएगा 1 माइनस 3। देखो एफ ऑफ एक्स निकल के आएगा 1 माइनस 3। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये कंसेप्ट हमेशा रखना है कि जो फंक्शन जिनके ऊपर फंक्शन दिया है क्वेश्चन में उनको चेंज करना है। फंक्शन ऑफ एक्स था लेकिन मेरा फंक्शन ऑफ माइनस एक्स क्या है, मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मेरे आसान क्वेश्चन आसान बनाने के लिए, मेरे जरूरत के लिए मैं इनको चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो जब आपका जरूरत है आप कोई रूल्स फॉलो करके आप इसी क्वेश्चन को आसान कर सकते हो, ऐसे आसान, जैसे आपको फोर ऑफ एफ एक्स और ये दे दिया, लेकिन आप एक इक्वेशन से दो अननोन वेरिएबल को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हो, इनके लिए आपको दो इक्वेशन बनाना चाहिए। तो एक इक्वेशन तो दे दिया, मैंने सोचा क्या एक्स का प्लेस में माइनस एक्स अगर कर देता हूं तो ये माइनस एक्स और ये पॉजिटिव एक्स का दो एक फंक्शन निकाल गया। जब ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गया हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ गया, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये भी ज्वाइंट इंटरेस्ट में क्वेश्चन आया था, जेई में आया था। एल एक्स
प्लस एम और एन एक्स माइनस एल। आपको क्या करना है, प्रूफ डेट, क्या प्रूफ डेट करना है ना, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में दे दिया कि y इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और एन एक्स माइनस एल, दे दिया क्वेश्चन में, और ये भी क्वेश्चन में दे दिया कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एल ऑफ x प्लस एम और एन एक्स माइनस एल, दे दिया आपको क्वेश्चन में। मैंने क्या करूं, मैंने फंक्शन ऑफ y निकालो, फंक्शन ऑफ y, जैसे मैंने फंक्शन ऑफ y निकाला तो ये हो जाएगा एल वाई प्लस एम और एन वाई माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। मैंने एल वाई के प्लेस में क्या कर रहा हूं, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एल ऑफ एक्स प्लस एम और ये हो जाएगा एन एक्स माइनस एल प्लस एम, अपन एन इंटू एल एक्स प्लस एम एन एक्स माइनस एल, एन एक्स माइनस एल प्लस एन एक्स माइनस एल माइनस एल, ठीक है। देखो समझो, मैंने क्या किया, मैंने y इक्वल टू ए इक्वल टू ए दे दिया, मतलब y भी इक्वल टू बोल सकता है और ये फंक्शन इक्वल टू भी बोल सकता है। मुझे निकालना है कि फंक्शन ऑफ y, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन ऑफ x को फंक्शन ऑफ y को चेंज कर रहा हूँ। फंक्शन ऑफ y में जैसे चेंज किया तो y एक आया, मैंने y इक्वल टू पता ही है, मैंने सिंपली बैठा दिया। अब इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में देखो, मैंने लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ, तो क्या होगा, सिंपली ये हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर एक्स प्लस एम एल प्लस एम एन एक्स माइनस एम एल, अपन एन एक्स माइनस एल और एन एक्स माइनस एल तो घटेगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्या होगा एन एल एक्स प्लस एम एन माइनस एल एन एक्स माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो सिंपली आपके पास दो इक्वेशन आ गया, ठीक है। आप क्या करोगे, एल स्क्वायर एक्स प्लस एम एल प्लस एम एन एक्स माइनस एम एल, तो एन एल एक्स है यहां पर क्या है एम एन है, एम एन एम एन एम एन माइनस एल एन एक्स प्लस एल स्क्वायर, सब कुछ है। आप लोग क्या करोगे ना, एक्स कॉमन ले लो, एल स्क्वायर एक्स प्लस एम एल प्लस एम एन एक्स माइनस एम एल, तो मैंने इन दोनों से x कॉमन ले रहा हूं और ये ml और ml तो चला गया, पहले ml ml तो चला गया, ln x चला गया, ठीक है। अभी बचेगा क्या, l स्क्वायर x प्लस m n x, ये बचेगा, फिर नीचे से क्या बचेगा, देखो l स्क्वायर प्लस m n बचेगा, फिर ऊपर से मैंने x जैसे कॉमन लिया, x जैसे कॉमन लिया, ये हो जाएगा हमारे पास l स्क्वायर प्लस m n और ये बचेगा l स्क्वायर प्लस m n, तो ये चला गया फिर x, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन एफ वाई इक्वल टू, तब एफ वाई इक्वल टू एक्स प्रूव हो गया, एफ वाई इक्वल टू एक्स प्रूव हो गया। तो देखो कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ फंक्शन जो दिया है और जो क्वेश्चन में पूछे हैं, इन दोनों का एक रिलेशन बनाना चाह रहा हूं, और इनके लिए क्या करना पड़ रहा है, एक क्वेश्चन मुझे दे दिया फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, तो मैंने फंक्शन ऑफ वाई में जैसे इसको चेंज कर लिया, ठीक है, और फिर कुछ नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा देखने के लिए मिलता है, जेई क्वेश्चन बोलो या तो स्टेट बोर्ड में, तो आप लोगों को प्रूफ हमेशा मिलेगा, 110% गारंटी है, ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक है जेई मेंस का क्वेश्चन है, ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है। जेई मेंस का क्या क्वेश्चन है कि जब आपको दे दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स, क्वेश्चन सुनो, और फंक्शन ऑफ 1 बाय एक्स ये आपको निकालना है 1 बाय एक्स, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दे दिया और आपको प्रूफ क्या करना है, ये करना है। तो सिंपली मुझे क्या दिखाई दे रहा है, फंक्शन ऑफ 1 बाय एक्स, सिंपली सबसे पहले क्या करना है, 1 बाय एक्स में तो चेंज करना है, तो 1 बाय एक्स इक्वल टू देख लेते हैं क्या होता है, 1 बाय 1 बाय एक्स और 1 प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है। अब क्या आएगा, एक्स माइनस वन और ये आ जाएगा एक्स प्लस वन, तो एफ ऑफ 1 बाय एक्स इक्वल टू ए आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, हम लोगों को पता है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स दे दिया है। मैंने एक्स का प्लेस में एफ ऑफ 1 बाय एक्स लिखेंगे, फंक्शन ऑफ 1 बाय एक्स लिखेंगे, ठीक है। और फंक्शन ऑफ 1 बाय एक्स इक्वल टू ये पता है, एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन, मतलब एक्स का प्लेस में एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स माइनस वन अपन एक्स प्लस वन अपन
एक्स वन माइ प्लस एक्स माइनस वन अपन एक्स प्लस वन। समझ में आया क्या कर रहा हूं मैंने? फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मुझे क्वेश्चन में ये दे दिया, ये क्वेश्चन में दे दिया मुझे एफ ऑफ वन माइ एक्स इक्वल टू पता चल गया मुझे। आप इसका फॉर्मेट में, मुझे इसका फॉर्मेट में क्वेश्चन को लाना है। एफ ऑफ वन बाई एक्स मैंने जैसे किया, मतलब एक्स का प्लेस में एफ ऑफ वन बाई एक्स लिखेंगे और एफ ऑफ वन बाई एक्स का वैल्यू मुझे पता है, तो मैंने जैसे सॉल्व कर रहा हूं तो हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा आपके पास सिंपली एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा पर टू, और ये आपके पास आएगा एक्स एक्स टू एक्स टू एक्स, ठीक है, फिर ये आएगा वन बाई एक्स। तो देखो सिंपली सिंपली ये भी प्रूव हो गया, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमेशा हमेशा आपको बोर्ड का एग्जाम बोलो या तो जेई मेंस का एग्जाम बोलो हमेशा आपको पूछेगा, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने के बाद ही बहुत सारे बंदे ने घबरा जाता है कि कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप लोग फंक्शन मेरे क्लासेस सीख रहे हो तो आप लोगों को 100% ये नंबर लाना है, क्योंकि कंसेप्ट में चलते हैं हम लोग, कंसेप्ट सीख रहे हैं। चाहे कोई भी कुछ भी दे दे, मुझे देखना है क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या मांगा है, क्या दे दिया है गिवेन, तो उनके फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन के आंसर को फॉर्मेट में लेकर जाना है, ठीक है। और जैसे जैसे चेंज करना है ऐसे फंक्शन को यूज करना है, ठीक है, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या तो दो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बचा है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन देख लो, ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू है वन प्लस टू एक्स, जब आपको दे देगा कंडीशन इफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन है, इफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन है, इक्वल टू थ्री माइनस टू एक्स है जब एक्स ग्रेटर देन वन है, ठीक है। आपको क्या पूछेगा? आपको पूछेगा एफ ऑफ जीरो का वैल्यू, एफ ऑफ माइनस वन पॉइंट फाइव का वैल्यू, एफ ऑफ वन का वैल्यू और एफ ऑफ टू पॉइंट सिक्स का वैल्यू, ये चार वैल्यू निकालने दिया है। तो आप मुझे बताओ कि जीरो जीरो का जब आप निकालोगे तब कौन सा कंडीशन में बैठाओगे? जीरो वन से छोटा है ऑब्वियसली, तो इस कंडीशन के लिए जाएगा। वन माइनस वन पॉइंट फाइव ये क्या है? ये वन से छोटे है, तो वन से छोटे है मतलब ये कंडीशन में जाएगा। एफ इक्वल टू वन इक्वल टू कंडीशन यहां पर है, फिर भी ये जाएगा। लेकिन एफ टू पॉइंट सिक्स, टू पॉइंट सिक्स क्या होते हैं? वन से ज्यादा होता है, तो फिर इसमें जाएगा। तो सिंपली निकाल लेना एफ जीरो, एफ माइनस वन पॉइंट फाइव, एफ वन, एफ टू पॉइंट सिक्स, चार वैल्यू सिंपली इसमें पुट करके, सिर्फ एफ इसमें क्या करना है थ्री माइनस टू इंटू टू पॉइंट सिक्स, और बाकी ये तीनों में क्या करना है वन प्लस टू एक्स, वन प्लस टू इंटू जीरो ये हो जाएगा वन प्लस टू इंटू माइनस वन पॉइंट फाइव, और ये हो जाएगा वन प्लस टू इंटू वन, ठीक है। ये चारों वैल्यू निकाल के आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा दे देते हैं, ठीक है, तब आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये क्वेश्चन भी जेई मेंस में आए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को 2007 में जेई मेंस में क्वेश्चन आए थे, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है ई टू द पावर एक्स प्लस ए, आपको दे दिया जी ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया आपको एक्स टू द पावर बी टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। फिर एच एक्स दे दिया, एच एक्स इक्वल टू क्या दिया, एच एक्स इक्वल टू दिया है ई टू द पावर बी स्क्वायर इंटू एक्स, ई टू द पावर बी स्क्वायर इंटू एक्स। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन आपको पूछा है कि जी फंक्शन ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में लेकर जाना है जी ऑफ, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू मतलब ये फंक्शन को पहले लिखो कि एक्स टू द पावर बी स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स का प्लेस में क्या लेकर जाना है? एफ एक्स, तो सिंपली बैठाओ कि एक्स का प्लेस में एफ एक्स। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है? एफ एक्स इक्वल टू ये दिया है, तो x का प्लेस में क्या हो जाएगा? x का प्लेस में क्या हो जाएगा? ये होगा e टू द पावर x प्लस a और b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या होगा? ये e टू द पावर b स्क्वायर x प्लस a b स्क्वायर, और इसको इजीली ये भी लिख सकता है कि e टू द पावर b स्क्वायर x इंटू e टू द पावर a b स्क्वायर। ये कैसे लिख रहा है ना, इनके लिए आप लोगों को लॉस ऑफ इंडिसेस, मैंने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था मैंने बोला था लॉस ऑफ इंडिसेस और सार्स ऐसे दोनों चैप्टर है, कोई भी चैप्टर का बीच में जाएगा और ये प्ले लोड करेगा। देखो अब डिफरेंशियल कैलकुलस में आ गया, लेकिन तब भी लॉस ऑफ इंडिसेस का कॉन्सेप्ट आपको नहीं छोड़ा और ये छोड़ेगा भी नहीं कभी भी, ठीक है। तो ये सिंपली हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अब एच एक्स क्या है?
तो हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा है, जी ऑफ एफ एक्स अपन एच एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, ई टू दी पावर बी स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दी पावर ए बी स्क्वायर। एच एक्स क्या है, एच एक्स क्या है, ई टू दी पावर बी स्क्वायर एक्स, ई टू दी पावर बी स्क्वायर एक्स। तो ए कट गया, फिर बचेगा क्या, ई टू दी पावर ए बी स्क्वायर। तो जैसे आपको क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा एक ई टू दी पावर ए टू दी पावर बी स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन आपने अगर सही करके आया, राइट करके आओगे, तो आपको मार्क्स भी मिलेगा और आपको रैंक में थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, फंक्शंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ऐसा एक सिखाऊंगा, मतलब ऐसे आप लोगों को सिखाऊंगा, इतने इजीली सिखाऊंगा कि आप लोगों को जिंदगी में कभी भी गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है, समझ गया। और आप लोगों को जिंदगी में अगर कभी भी मैथ में कुछ इंटरेस्ट लाना है ना, तो आप लोग क्लास फॉलो करो सिर्फ, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग सिखाएंगे आप लोगों को अच्छे से अच्छे नॉलेज मिलेगा, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेगा, और एक एक क्वेश्चन को बेटर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अभी तो शुरुआत है यार, अभी कुछ नहीं है, ये जस्ट आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब आप मान के चल सकते हो कि ये अगर 100 में से ये आप लोगों को हमने अभी 15% सिखा है, कुछ नहीं। अभी जब हम लोग इनको कंप्लीट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग स्पेशली जेईई मेंस का क्लास स्टार्ट करेंगे, तब आप लोगों को एक एक क्वेश्चन आएगा, सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, ठीक है, क्लास ज्यादा लेंदी हो गया मुझे लगता है, तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में। उनके पहले क्या करना है, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप लोग फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जहां भी आप लोगों का फ्रेंड का ग्रुप है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखो हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे टॉपिक लेकर आ रहे हैं, हम लोग सोचा है कि प्लस 11 12 का पहले टेक्स्ट बुक कंप्लीट करेंगे, फिर आईआईटी प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, तो इनके लिए क्या है, आप लोगों को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है। तो चलो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।